नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, तीसरे दौर के लिए ईसी की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। बाहरी लोगों को छोड़ना होगा निर्वाचन क्षेत्र। परसों से घर घर जाकर प्रत्याशी जो है वो प्रचार प्रसार करने वाले हैं। मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़ में मतदान होगा 7 मई को। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड में भी वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए अब तैयारियां अंतिम चरण में है इलेक्शन कमीशन की। बता दें आपको कि कल प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। कल करीब शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति जो है वो मिलने वाली है प्रत्याशियों को। चलिए अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, तीसरे चरण के लिए ईसी की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और जिस तरीके से कल शाम चुनावी शोर जो है प्रचार प्रसार का शोर भी थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी जो है वो कर पाएंगे। कल शाम 6 बजे के पहले जो बाहरी लोग हैं, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र से बाहरी लोगों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा, उन्हें अपने क्षेत्र में वापस लौटना होगा क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। लोकसभा की कुल 9 सीटें हैं जहां पर 7 तारीख को यानी कि तीसरे चरण में मतदान होना है। इनमें भोपाल, विदिशा, राजगढ़, ग्वालियर, मुरैना, इस तरीके से मिलाकर बैतूल, क्योंकि बैतूल में पहले निर्वाचन पहले होना था और जब वहां बसपा प्रत्याशी का निधन हुआ इसके बाद निर्वाचन की तारीख बदली गई। अब 7 तारीख को बैतूल में भी मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 9 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। कल शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर खत्म होगा। इसके बाद कैंडिडेट डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और अपने पक्ष में वोट की अपील कर सकेंगे। सबसे अहम बात इस चरण में ये देखना होगा कि 2 चरणों की वोटिंग प्रतिशत के बाद तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो तैयारियां, जो कोशिशें की गई हैं वो कितनी कामयाब होती हैं, क्योंकि पिछले 2 चरणों में जो मतदान हुआ उसमें कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली है और अब तीसरे चरण के लिए बूथ चलो अभियान तक आयोग ने शुरू किया। इसके बाद अब फाइनली वोटिंग का वक्त बहुत कम दूर है। ऐसे में मतदाता घर से बाहर कितना निकलता है ये देखना होगा और इस बार क्या इस चरण में वोटिंग परसेंटेज पिछले 2 चरणों के मुकाबले बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्योंकि मतदाता पर्ची घर घर पहुंचाने के निर्देश हैं और ये मतदाता पर्ची कितना घर तक पहुंची है, वोटर्स पर कितना प्रभाव पड़ा है, वोटिंग को लेकर जो जागरूकता अभियान फैलाया गया है उसकी, तो ये तमाम चीजें हैं जो 7 तारीख को ऑब्जर्व करने वाली होंगी और कई दिग्गज नेताओं का भविष्य भी इस समर में तय होगा, क्योंकि तीसरे चरण में दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं, तो इनके भविष्य का दिन भी ये कहा जाएगा और मतदाता अपने मत में इन मत के जरिए तमाम प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगा। बिल्कुल आकाश, और हम भी यही अपील करते हैं कि अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, घरों से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।